गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मोहम्मद आसिफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इंद्रानी हॉस्पिटल बठिंडा। आज हम लोग बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी हो सकती है ये। और निमोनिया कितना ज्यादा खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बच्चों में, जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनमें से जितनी भी डेथ होती है उसका 14% डेथ निमोनिया की वजह से होती है। सेकेंड थिंग, कोविड में जितने लोगों की डेथ हुई है, 90% जो केसेस हुए हैं वो सीवियर निमोनिया की वजह से हुए हैं। कोविड डायरेक्टली किल नहीं किया है, कोविड की वजह से सीवियर निमोनिया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निमोनिया क्या होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और हॉस्पिटल जाने की रिक्वायरमेंट कब है, कौन कौन सी चीजों का आपको बहुत सीरियसली लेना है, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया हमारे लंग्स में होने वाली एक तरह की बीमारी है, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर। यूजुअली हमारे इंसानों में दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, और इन लंग्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं लोब्स। टोटल 5 लोब्स होते हैं इंसानों के लंग्स में। आमतौर पर हवा पहले ट्रैकिया में जाती है, उसके बाद फिर ब्रोंकस में जाती है, जिसे हम ब्रोंकाई भी बोलते हैं। ब्रोंकाई के बाद और छोटी छोटी ब्रांचेस में हवा डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और ब्रोंकियोल्स के बाद एक छोटे से सैक में एयर जाती है, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये छोटे छोटे से गोल गोल हमारे बॉडी के एक सैक्स होते हैं, जिसके जो इलास्टिक होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, और जिनके अंदर एयर जा सकती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो इन्हीं से हवा बाहर जाती है, और जब सांस लेते हैं तो इन्हीं के अंदर हवा भरती है और ये फैल जाते हैं। तो ये फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, बिल्कुल गुब्बारे, बलून के जैसे ये होते हैं और ऐसे काम करते हैं। इन पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो हमारे एयर को ब्लड के साथ एक्सचेंज करती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कैपिलरी से ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, ब्लड में, और उसी कैपिलरी से जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर लंग्स में आती है, जो सांस छोड़ने पर बॉडी से बाहर चली जाती है। ये एक नॉर्मल होता है। जब हमें निमोनिया होता है तो इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। ये इन्फेक्शन कई चीजों से हो सकता है, किसी बैक्टीरिया से हो सकता है, या फिर किसी वायरस से हो सकता है, या फिर किस फंगस से हो सकता है, अगर आपको फंगस लग जाएगी तो, नहीं तो कोई पैरासाइट भी इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये जब इन्फेक्शन होगा तो इन सैक्स के अंदर के जो लेयर होती है स्वेल हो जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और उसके बाद जब ये और ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके अंदर फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है, पानी जैसा भर जाता है इसके अंदर। और जब ये पानी भर जाएगा इसमें तो जाहिर है हवा तो नहीं जा पाएगी, तो एयर का जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अंदर बाहर का, वो हो जाता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर लोब में निमोनिया का प्रॉब्लम है तो उसे लोबर निमोनिया कहते हैं, अगर पूरे लंग में ज्यादा एरिया में प्रॉब्लम है तो उसे ब्रोंको निमोनिया कहते हैं। तो अब आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि निमोनिया क्या होता है और कैसे होता है, और इसकी वजह से हम ये और भी चीजें समझ पाएंगे कि हमें इससे बचना कैसे है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम आ जाते हैं सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी को निमोनिया है तो कैसे पता लगेगा कि उसको निमोनिया हो रहा है? फॉर जैसे कि सबसे पहली चीज, सांस नहीं आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं डिस्निया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। हम लोग सांस लेने की कोशिश करेंगे लेकिन सांस नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर सांस नहीं आएगी तो बॉडी में ब्लूइश कलर आना शुरू हो जाएगा आपकी एक्सट्रीमिटीज पे, आपके नाखूनों पे, आपकी आंखों के नीचे, जिसको बोलते हैं साइनोसिस। ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब लंग्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो साइनोसिस होने लगेगा, ये दूसरा सिम्टम्स है। देन आपको चेस्ट में कंजेशन फील होगा, आपको कंजेस्टेड फील होगा, लगेगा जैसे कोई चेस्ट को ना दबा के रखा हुआ है, प्रेशर फील होगा उसमें, क्योंकि पानी भरा होता है। साथ ही साथ आपको चेस्ट में पेन फील होगा, जब आप सांस लोगे या छोड़ोगे, नॉर्मली भी आपको चेस्ट में पेन फील होना शुरू हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक पोजिशन होंगी, जैसे कि लेटने में आपको बिल्कुल सांस नहीं आएगी, उठकर बैठने पर आपको थोड़ी सांस आना शुरू हो जाएगी। देन क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, तो इसमें बुखार होना तो लाजमी है, और सांस की तकलीफ है तो खांसी आना भी लाजमी है। तो फीवर और कफ भी इसके बहुत बड़े सिम्टम्स होते हैं। साथ ही साथ जब ये सीवियर कंडीशन पे आता है तो आपको स्वेटिंग भी हो सकती है, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, आपको वॉमिटिंग जैसा भी फील हो सकता है, और भी सेकेंडरी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट जो प्राइमरी साइड इफेक्ट है वो प्राइमरी सिम्टम्स जो है वो यही है। देन अब आपको हम बताते हैं इसमें से बचना कैसे है। सबसे पहले निमोनिया से बचने के लिए आपको क्या करना है? निमोनिया से बचने के लिए सबसे पहले आपको इन्फेक्शन से दूरी बना के रखनी है। जैसे कोविड चल रहा है, या आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, डस्ट बहुत ज्यादा है, और ये फसल जलाई जा रही है, तो इस तरह के पोल्यूशन से आपको बच के रहना है, जो कि आपको
ये निमोनिया जैसी सांस की बीमारियां दे सकती है। सेकंड चीज, आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है। इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग रखोगे? अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट मेंटेन करोगे आप तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। एक्सरसाइजिंग करोगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजिंग करोगे, योगा करोगे तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपको निमोनिया से होने वाले जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से लड़ने में बॉडी को एनर्जी ज्यादा मिल जाती है और वो एनर्जी अच्छे से कम्बाइन कर सकता है। तो आपको इन्फेक्शन अगर बॉडी में होगा भी तो निमोनिया तक जाने नहीं देगा आपका इम्यून सिस्टम। तो आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करके रखिए। देन स्मोकिंग, बिल्कुल भी स्मोकिंग मत कीजिए, छोड़ दीजिए। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं छोड़ दो, हर तरह से नुकसान है, कोई फायदा नहीं है उसका। तो जो चीज सिर्फ नुकसान दे रही है उससे दूरी बना लेना ही अच्छा होता है। साथ ही आप कोविड की वैक्सीनेशन जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एज अ मेडिकल पर्सनल, आप सब लोग कोविड की वैक्सीनेशन ले लीजिए, क्योंकि कोविड एक सीवियर इन्फेक्शन है जो निमोनिया क्रिएट कर सकता है, सीवियर निमोनिया क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको डेथ हो सकती है। देन आपको मेंटेन कैसे करना है निमोनिया के कंडीशन में, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको सांस की तकलीफ है। आप एक चेस्ट एक्सरे कराकर अपने कंसल्टेंट को दिखा लीजिए। अगर निमोनिया होगा तो ये एक्सरे में निमोनल पैच आना शुरू हो जाते हैं। ये जो फोटो आपको दिख रही है इसमें आपको दिखाई देगा आपका बाकी लंग क्लियर दिख रहा है, बट वो बीच में एक व्हाइट कलर का स्पेस आ रहा है जो निमोनल पैच बोलते हैं उसको। ये पूरा एरिया ऐसा हो गया है जिसमें सांस नहीं जा रही। ये इतना हिस्सा जो लंग का है वो हिस्सा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है, बाकी हिस्सा काम कर रहा है। और जब ये पूरे हिस्से में फैल जाएगा तो फिर ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी। तो स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड कीजिए, टोबैको का यूज अवॉइड कीजिए, और जो ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स अवॉइड कीजिए किसी भी तरह से। तो इन हार्मफुल प्रोडक्ट से बचे रहेंगे तो आपको आपको हेल्दी लाइफ मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। देन मेडिकल इमरजेंसी कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है, पहला सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, इंतजार मत करो कि आप सीरियस हो जाओ फिर हॉस्पिटल जाओ, इमीडिएटली हॉस्पिटल रश ऑन करो, मेडिकल कंसल्टेशन ले लो, एक चेस्ट एक्सरे कराकर कंफर्म कर लो कि आपके चेस्ट के लंग्स की हालत कैसी है, कंडीशन क्या है, ठीक है। देन अगर उसके अलावा आपको घर में आजकल सबके पास सैचुरेशन प्रोब है, SpO2 प्रोब है, लगाकर देख लो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना आ रहा है, 90% या उसके नीचे आ रहा है तो फिर आपको मेडिकल इमरजेंसी लेनी चाहिए। आपको सीवियर कंडीशन बन सकती है, उसको अवॉइड करने के लिए पहले से ही आप टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाइए। थर्ड चीज, साइनोसिस ऑब्जर्व करो, किसी के उंगलियों में, नाखूनों में, आंख के नीचे या पैरों में अगर ब्लूइश कलर आ रहा है, रेडिश या पिंकिश नहीं आ रहा है तो इसका मतलब साइनोसिस हो रहा है, ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही या फिर ऑक्सीजन नहीं जा रही है। इस कंडीशन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, तुरंत का तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। देन अगर आपको डिजीनेस महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हो सकता है, तो अगर ऐसी कंडीशन साथ ही साथ सांस लेने की दिक्कत भी हो रही है तो बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। निमोनिया ट्रीट किया जा सकता है, बिल्कुल ये इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन चलाकर इसको जो है ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। साथ ही साथ आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलते हैं जो कि आपके लंग के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और जो आपका इम्यून सिस्टम है, ऑटो इम्यून सिस्टम, उसको थोड़ा सप्रेस करता है, बूस्टअप करता है, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बट जितना ज्यादा लेट करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर, आज आप सब लोगों को निमोनिया से अवेयरनेस और उससे बचने के बारे में ही बताना हमारा पर्पस था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अवेयरनेस देने में सक्सेसफुल रही होगी, और अगर किसी को भी आपके नोन में इससे रिलेटेड कोई सिम्टम्स है या जो कोविड पीरियड में कोविड पॉजिटिव हुए थे और सीरियस हो गए थे और जिनको अभी तक सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो सब लोग रिस्क फैक्टर में है इस वक्त सर्दियों में निमोनिया के, तो प्लीज टेक अ मेडिकल कंसल्टेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।